शिट, देख रहे हो विंग भाई, क्यूट गर्ल ना कंटेंट बन चुकी है आजकल सिद्रा में। मतलब जम्मू की पुलिस कुछ भी कर लेना भाई, जम्मू वाले लोंडे नहीं सुधरने। हाँ जी, वेलकम टू जेके मोटो व्लॉग्स। सो फाइनली गाइस, निकल चुके हम रूम से, चेकआउट वगैरह हमने कर लिया था और ब्रेकफास्ट भी करके सब कुछ डन। अब जाते हैं गुजर नगर वाले साइड से होकर सीधा सिद्रा के लिए। सिद्रा से आगे भाई थोड़ा बहुत टॉप एंड भी चेक मारेंगे आज। अब हम आएंगे इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद वापस जम्मू। विंटर्स मतलब हमने जम्मू में ही निकालने हैं, बिकॉज अगर विंटर्स में मैं श्रीनगर में रह गया ना तो ये समझो भाई ठंड से मेरी बुरी हालत हो जाएगी। और अब थोड़ा डेली ब्लॉगिंग पे फोकस करते हैं ना, स्ट्रीक बनाते हैं। तो ये रहा गुजर नगर ब्रिज। वाह, ये ग्रीनरी मिस करने वाला हूँ मैं भाई। कश्मीर में ऐसा कुछ माहौल नहीं है जैसा जम्मू में है। सो गाइस, आज फिर से आपको बताइए, मेरे साथ राइड में वकार है। तो निकल चुके हम यहाँ से सीधा श्रीनगर के लिए। सिद्रा हाईवे पे पहुँच चुके हम और ट्रैफिक जाम हो रखा है थोड़ा बहुत आगे। सिद्रा पे भगाने का तो मज़ा ही अलग है, ज़रूर ही अलग है, बट एक्चुअल में सीन ऐसा है भाई। गाइस चेक दिस आउट भाई, कि यहाँ से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, आगे नाका वाका रहता है, आपको तो पता ही है। यहाँ सामने देखो भाई, क्यूट कपल जा रहे हैं, ये देखो भाई। सिद्रा में यही कंटेंट चलता है आजकल भाई, क्यूट गर्ल ना कंटेंट बन चुकी है आजकल सिद्रा में। ये चेक करो, सामने चल रहा है कार 15 वाला लेकर। कितने चले यहाँ पर हम जिक्सर लेके, कितनी राइड की भाई। मज़ा आता है इस हाईवे पे राइड करने का सबसे ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे प्यारे प्यारे लेन पॉइंट्स हैं और आसपास ग्रीनरी वगैरह है। जम्मू के मोटो ब्लॉगर्स के लिए ना भाई ये जगह सबसे परफेक्ट है राइड करने के लिए। अगर सिद्रा नहीं आएंगे तो और कोई ऐसी जगह नहीं है सिद्रा जैसी, जहाँ पे उनको कंटेंट मिले, जहाँ पे वो रैश कर पाएँ, स्टंट कर पाएँ। तो पुरानी यादें हैं भाई, ताज़ा करेंगे हम। 10-12 दिन के बाद शिफ्ट हो रहे हैं 2-4 बंदे हम जम के। मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है आने वाले कुछ दिनों के बाद, तो आप बने रहना भाई। अगर चैनल पर नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, बोलूँगा नहीं। राइस भाई चल रहे थे यहाँ पे, उनका क्रैश हुआ था राइस का छोटा मोटा सा। तो ये रहा जी दूसरे वाला स्टंट पॉइंट, जहाँ पे लोंडे आके स्टंट्स वगैरह करते हैं। देख रहे हो टायर्स के निशान अभी भी पड़े हुए हैं। मतलब जम्मू की पुलिस कुछ भी कर लेना भाई, जम्मू वाले लोंडे नहीं सुधरने। अगर कश्मीर पुलिस यहाँ पे होती ना भाई, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे कोई स्टंट नहीं करता। क्या जानू स्टंट, क्या कोई भी सैम स्टंट वटंट कोई नहीं चलते उधर। और अभी आ चुका है आगे अपना मैगी पॉइंट। यहाँ पे हम अक्सर रेस्ट लिया करते थे वही ब्लॉग बनाने के टाइम पे, वहाँ पे रुकते थे, मैगी वैगी लगाते थे, फिर निकलते थे आगे के लिए। और आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, मेरे को लगता है भाई आगे बारिश पड़ रही होगी कश्मीर में। तो देख लेंगे भाई, अगर बारिश होगी तो रेन सूट तो साथ नहीं है, बस खाली रेन सूट का अपर साथ रखा है मैंने, वही लगा लेंगे, थोड़ा बहुत तो बच जाएंगे ना। तो गाइस थोड़ा टॉप एंड का चेक कर लेते हैं भाई, पिलियन बिठा के कितनी जाती है। ये बात, ओहो हो 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 भाई, विंड ब्लास्ट बज रहा है, कैमरा उड़ ना जाए भाई, कैमरा ना उड़ जाए यार, कितना ज्यादा विंड ब्लास्ट है कसम से भाई, मैं नहीं खींच पाऊंगा यार। ओ शिट, देख रहे हो विंड ब्लास्ट की वजह से क्या हो रहा है भाई, पूरी बाइक वॉबल कर रही है। सो ये रहा जी पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे, देख रहे हो मेहराब वगैरह लोग अलियान बैठे हैं वहाँ पर। ये जगह ना भाई दिल को लगती है कसम से, बहुत प्यारी जगह है हद से ज़्यादा। देखो लोंडे वोंडे आते हैं यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लेने के लिए, बट अभी हम रुक नहीं रहे, लेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। आगे मौसम का भरोसा नहीं है, मे भी बारिश पड़ रही हो तो फिर सीन हो जाएगा भाई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी निकल ही जाते हैं, बेहतर रहेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गड़ी में भाई साहब, ये चेक करो क्या प्यारी रोड है यहाँ पर, और क्या लेन्स बजते हैं भाई ऑसम वाले। पीछे रुक के मैंने जैकेट वैकेट उतार दिया, बिकॉज यहाँ से तो अच्छी खासी गर्मी हो रखी है भाई। आगे कहीं रामबन क्रॉस करके लगा लेंगे, फिर से ठंड होने वाली है। और आई थिंक ये वो वाला ब्रिज है जो सबसे बड़ा है रेलवे का जेएंडके में आई थिंक, और ये सामने आप देख पा रहे होंगे भाई। किसी ने सच कहा है भाई, राइट साइड कॉर्नरिंग करने में ना थोड़ी वो दिक्कत होती है, और ये मैंने माना आज, बिकॉज मेरे को एक दो बार हुआ कि मैं लेन के बाहर जा रहा हूँ, बट लेफ्ट साइड से तो ऑसम रहता है भाई। सो हाँ जी गाइस, अभी उधमपुर हम पहुँच चुके हैं, पीछे हम रुके हुए थे, चाय वाय पी रहे थे, आगे जाके थोड़ा लंच वंच भी करना है, बिकॉज भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, आपको तो पता ही है भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है, पता नहीं आगे पेट्रोल पंप कितना दूर मिलने वाला है भाई, मेरे को तो उसी बात की डर है कि पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलता फिर तो हम खज्जल हो चुके हैं। नाश्ती टनल आने वाला है यहाँ से भाई,
हाँ जी अच्छा अच्छा ओके 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 सर, मेरे को लगा निकालना है। हाँ जी सर। सो गाइस ये दिखा रहे हैं भाई 25 किलोमीटर जो के भाई मुश्किल ही मुझे लगता है निकाल पाए। बाइक 15 किलोमीटर तक निकाल सकती है आई थिंक, 25 भी कोशिश करेंगे, थोड़ा आराम से चलेंगे। बट टनल में आपको बताइए भाई आराम से चलने का मन भी नहीं होता और चल भी नहीं सकता बंदा, जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही होती हैं उस हिसाब से एवरेज स्पीड बना के चलना पड़ता है। बाकी कुछ इस तरह का यहाँ पे आसपास माहौल है और ग्रीनरी जंगल भाई सामने रहा चिनानी नाशरी टनल। एक दिक्कत है भाई पेट्रोल पंप की, वो आगे जाके कहीं पूरी हो जाए बस। भाई जब भी टनल में आता हूँ ना बस मज़ा आ जाता है भगाने में। ये देख पा रहे होंगे आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं हम, वैसे स्ट्रेट रोड है। लेट्स मूव। क्या बात है, फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है टनल से। तो अभी पेट्रोल थोड़ा बहुत है, मे बी रामबन के आसपास हम पहुंच सकते हैं। सो लेट्स सी भाई। फाइनली हमें मिल चुका है जी पेट्रोल पंप। पहले मैं डलवाता हूँ पेट्रोल भाई, यहाँ से अगर पेट्रोल पंप नहीं ना मिलता बुरी हालत हो जाती है। देखो देखो भाई ये है रामबन, देख रहे हो, यहाँ से तो बढ़िया रोड है भाई। अगर ऐसी रोड होगी तो रामबन में कहाँ ट्रैफिक लगेगा, बट जहाँ पे सिंगल लाइन आ जाती है ना भाई वहाँ पे बहुत बुरे वाला ट्रैफिक जाम लग जाता है। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं ऊपर से स्लाइड्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है ये। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर कोई राइड या ड्राइव करते हो यहाँ पर भाई, जम्मू के लिए जा रहे हो या जम्मू से श्रीनगर जा रहे हो, तो ऐसा करो आराम से चलो भाई, खास करके रामबन वाले एरिया से, बिकॉज़ यहाँ पर भाई कोई भरोसा नहीं है। साथ में नदी है, ऊपर से पत्थर भी आ जाते हैं, तो आसपास नज़र रख के अच्छे से भाई फोकस करके चलो भाई। अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट सीन मुझे ये लगा भाई, मैं ओवरटेक करने वाला था, ट्रक वाले ने मुझे इशारा किया कि भाई मत कर आगे गाड़ी आ रही है भाई। ये मूवमेंट ना भाई दिल निकाल लेती है भाई। बट यहाँ से भाई जो भी ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं ना बहुत बुरी तरह चलते हैं, सीरियसली भाई मेरे को खुद डर लगती है इस रोड से। मैं साधना पे इतना नहीं डरता, मैं जोजिला इतना नहीं डरता, मतलब कहीं भी चला जाऊँ ना मैं इतना नहीं डरूंगा भाई जितना मैं इस रोड पे चलते हुए डरता हूँ। अब थोड़ी खाली रोड मिली है तो भगाते हैं, बहुत बुरी वाली खाई है भाई। भाई मैं थोड़ा क्लोज से आपको दिखाता हूँ, ये देखो ओ भाई। तो हाँ जी गाइस बनिहाल पहुँच चुके थे, थोड़ा कैमरा भी चार्ज कर लिया। सो अब जाते हैं जल्दी से टनल वगैरह क्रॉस करते हैं यहाँ से भाई, ठंड बढ़ती जा रही है आगे, जितना आगे आगे चलते रहेंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती रहेगी। सो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भाई, बिकॉज कैमरा आपको पता ही है GoPro ठंड की वजह से बहुत जल्दी डेड हो जाता है। चलो भाई घुसते हैं टनल में, 8 किलोमीटर शायद से ये लंबी टनल है बनिहाल टू काजीगुंड। चलते हैं जल्दी से, देखो भाई परिंदा अंदर आ गया। भाई टनल में ना बहुत पागल आवाज़ आती है कसम से, मज़ा आ जाता है। अगर मैं फुल थ्रोटल दूंगा ना भाई सुपर बाइक जैसी फील आती है, ऐसा साउंड निकलता है इनलाइन 4। ओहो भाई 140 तो ये यूं चली जाती है कसम से। सो फाइनली टनल से निकल चुके अपन, और भाई साहब क्या ठंड है बाहर कसम से भाई। ओह 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 शिट भाई शिट, मैं कहाँ पे हूँ भाई, इतनी ठंड है अभी से ही। ओह शिट शिट भाई, यहाँ पे गुजारा नहीं होना भाई विंटर्स में, इसीलिए जम्मू या फिर बेंगलोर। ओ भाई क्या ठंड है यार, शिट। चेक दिस आउट गाइस, कश्मीर में एंटर कर चुके हम, ठीक है। तो अब यहाँ से भाई मेरे को आई थिंक 70 किलोमीटर कुछ ऐसा ही बचता है। ओहो हो भाई साहब हम पहुँचे थे बस अनंतनाग के आसपास, तो क्या बोलूँ भाई क्या ठंड है यहाँ पर। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुँच चुका था शाल्टिंग में। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना रहता है कर देना। बाकी भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, पीछे कैमरा डेड हो रखा था तो अभी मैंने थोड़ा बहुत चार्ज किया हुई। तो इस वीडियो को रखते हैं यहाँ तक, अब मैं आपको मिलूंगा एक प्यारी सी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।